सबसे पहले पश्चिमी दिल्ली का इलाका। इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटों का एक रुझान हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पश्चिमी दिल्ली में कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती है, किसको कितना वोट परसेंटेज। वोट परसेंटेज के साथ हम शुरुआत करें। 57% वोट पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ गया है, 35% वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ और मात्र 4% वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ गया है। आम आदमी पार्टी 57% सीटों के साथ बहुत आगे, 35% वही वोट का लगभग का आंकड़ा जो लगातार बीजेपी विधानसभा चुनाव में अटक रही है, जिस पर उतने लोग उनके लिए लगातार वोट कर रहे हैं और 4% पर खिसकती हुई कांग्रेस पार्टी। यानी ये साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का चुनावी मैदान में पूरी तरह से नाकाम होना आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। ये पहला ही आंकड़ा है, लेकिन ये पहला आंकड़ा ही पूरी कहानी दिल्ली की बयां कर रहा है, जिसमें 57% वोट्स के साथ पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक जबरदस्त बढ़त बीजेपी के ऊपर बनाती हुई दिख रही है और कांग्रेस 0 से सिर्फ 4% ऊपर है। अब हम आपको बताते हैं कितनी सीटें, जी हां, कितनी सीटें पश्चिमी दिल्ली में कौन सी पार्टी के हक में जा रही हैं। तो सबसे पहला आंकड़ा सीटों का आपके पास आता हुआ, 8 से 10 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए जा रही हैं, 0 से 1 सीट बीजेपी को और 9 से 10 सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए जा रही हैं और बीजेपी के पास 0 से 1 सीट और 0 बहुत बड़ा 0 कांग्रेस पार्टी के सामने बना हुआ है। बहुत बड़ी बढ़त, कम से कम पश्चिमी दिल्ली से आते हुए संकेत ये कि आम आदमी पार्टी जबरदस्त कामयाबी दिल्ली के चुनाव में हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर पश्चिमी दिल्ली के संकेत ही अनुमान ही पूरी दिल्ली पर हावी रहते हैं तो ये एक तरफा चुनाव होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, जिसमें 9 से 10 सीटें जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ और सिर्फ 0 से 1 सीट ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ, 0 पर अटका हुआ है। और सबसे बड़ी बात, पश्चिमी दिल्ली का वो वोटर जिसे पंजाबी वोटर कहा जाता है, जिसमें सिख वोटर बड़ी तादाद में होंगे, जिनको लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त थी कि शायद 1984 का मुद्दा और फ्री बिजली पानी का मुद्दा, क्योंकि ये इलाका उस तबके का इलाका है जो आर्थिक तौर पर स्ट्रांग माना जाता है, शायद ये सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी के वहां पर उतने काम नहीं करेंगे। लेकिन उन सारी बातों को धता बताते हुए हमारा अनुमान ये कह रहा है 9 से 10 आम आदमी पार्टी को आ सकती है सीटें और 1 सीट केवल बीजेपी को, कांग्रेस का खाता। जिस पंजाबी वोटर की आपने बात की है वो जल्दी से अपने दर्शकों को जरा आंकड़ा बता दे, करीब 35% जो पंजाबी वोटर है वो दिल्ली में है, 35% असर 30 सीटों पर इनका होता है, 20 सीटें ऐसी है जहां पर पंजाबी वोटर करीब 20% है, 8 सीटें ऐसी है जहां पंजाबी वोटर 20% से ज्यादा है। लेकिन ये पश्चिमी दिल्ली ऐसे संकेत देता हुआ जो कि साफ बता रहा है अरविंद केजरीवाल की चली है।